गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। मॉर्निंग का देख लीजिए कितना कोहरा दिखाई दे रहा है आसमान में। ये देखिए सुबह के बजे हैं 7:55 हो गया हुआ है और बहुत कोहरा है आसमान में। सूरज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए सूर्यदेव निकले हुए हैं लेकिन घने कोहरे के कारण नहीं दिखाई दे रहे। ये देखिए पेड़ भी बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कोहरा दिखाई दे रहा है आज यहाँ पे। मस्त मौसम, बारिश हुई थी कल भी। और ये देखिए मेरे गार्डन के प्यारे प्यारे फ्लावर, कहाँ से इनको रोशनी मिलेगी मैं आपको दिखाऊं। उतना हाँ यहाँ तो आई थी रोशनी। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और एक फ्लावर यहाँ भी है। और ये कल मैंने की थी बालकनी थोड़ी सी मेंटेन। ये यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये स्टैंड रखा था और इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया और इसके ऊपर भी प्लांट रख दिए हैं। मुझे सुंदर लगा। और ये यहाँ पे भी मैंने कॉर्नर में ये प्लांट रख दिए हैं। ये प्लांट मेरा बिल्कुल बेकार हो गया था, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी मैंने इसको कट कर दिया था, देखिए इस पर छोटी छोटी पत्तियाँ निकल के आ गई। अब ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये प्लांट भी मेरा जल गया, यानी इसका मौसम ख़त्म हो गया है, अभी फिर दोबारा से ग्रो हो जाएगा। और ये मेरा मोगरे का प्लांट है और जिस पर अभी फ्लावर आने वाले हैं, इस पर नई कलियाँ आ गई हैं और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत प्यारे प्यारे अभी हो जाएंगे क्योंकि मैंने बीच में देख रेख बंद कर दी थी ना। तो ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट होके जा रहा है नीचे, ये देखो। और ये देखिए इसमें मैंने लगा दी थी गुलदुफहरी, इसको हम बोलते हैं गुलदुफहरी। कई पेड़ मैंने लगाए हैं, देखिए छोटे छोटे बोतलों में भी मैंने प्लांट लगा के इसमें रख दिए हैं। और ये देखिए मैंने बॉटल का डिज़ाइन कट करके इसमें गुलदुपहरी लगाई थी, एक ये लगाया है। और ये प्लांट भी मेरा सूख गया है, वाइट फ्लावर वाला था, बहुत प्यारा था बट सूख गया है। और ये प्लांट भी मेरा अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए एक और टमाटर का पेड़ मेरा, इस पर भी टमाटर आ गए हैं। ये देखिए ये वाला प्लांट मैंने कल मंगाया था और इसमें से छोटे छोटे मैंने इधर भी लगा दिए हैं, इसमें हो जाएंगे। ये देखिए। और ये मेरा गुड़हल है पिंक कलर का, अभी कल परसों में फिर इस पर कलियाँ आई हुई हैं, देखिए फिर फ्लावर आ जाएंगे इसमें। ये रात की रानी था, मैंने कल कटिंग कर दिया इसको, काफ़ी लंबी डालियाँ हो गई थी इसकी बट इसमें फ्लावर नहीं आए थे तो इसको भी मैंने कटिंग कर दिया। और ये इसमें मैंने लगाई है लिली, इसको भी मैं चेंज कर दूंगी इसमें से। और इसमें भी मैं कुछ लगाने वाली हूँ, ये मेरा प्लांट खाली है अभी। और ये मेरा मनी प्लांट है, देखिए चल रहा है धीरे धीरे। ये देखिए इसमें भी अभी नए पत्ते आ गए हैं इस मनी प्लांट में, और इसको मैं इसी में ही रहने दूंगी क्योंकि इस ग्रिल के ऊपर मुझे ये वाला प्लांट चलाना है। और देखिए जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो टिप्सी ज़रूर बैठी रहती है मेरे पास में। ये देखो ये टिप्सी मैडम सब टाइम मेरे साथ रहती है, देख लीजिए मैं कुछ भी करूं तो वो हरदम मेरे साथ ही रहती है। तो काफ़ी मैंने अभी कल भी छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। कोहरा देख लीजिए कितना घना होता जा रहा है, काफ़ी
कोहरा दिख रहा है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में और थोड़ा सा काम करते हैं। तो आज प्लान है छोले ये बनाने छोले का। मैंने धो लिए हैं और धो के मैं कुकर में इसको रख दूंगी। आज मैं ज़्यादा छोले नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे तो खाने नहीं है और ये दो लोग ही तीन लोग ही हैं और बस आज बनेंगे छोले भटूरे और इनके साथ मैं डालूंगी थोड़ा पानी। तो देखिए ये टिफिन मैंने भर के डाल दिया है पानी और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी इसमें और डालना चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। उतना पानी डाल लेती हूँ कि जब बाद में छोलों में पानी की ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े, इसी में से ही हमारा पानी हो जाए। और ये डालूंगी मैं इसमें चाय की पत्ती का पाउच। पहले क्या करती थी मैं कि एक पोटली बना के किसी हैंकी में या किसी कपड़े में उसमें डालती थी चाय की पत्ती बांध के। अभी मैं क्या करती हूँ कि इसमें एक पाउच ये चाय की पत्ती का जो आता है ना डिप वाली चाय आती है उसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये कागज़ निकाल देंगे इसका यहाँ से और ये डिप वाली चाय वाली मैं इसमें डाल दूंगी। डाल के एक बस बहुत होगी जो इनका कलर चेंज कर देगी क्योंकि ब्लैक छोले बनाने के लिए इसमें चाय की पत्ती डालनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक इसमें, स्वादानुसार कितना हमारा नमक रहेगा उतना मैं इसमें नमक डाल दूंगी। और इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ उबलने के टाइम पे ही। थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ जैसे थोड़ी सी दालचीनी ये और दो तीन लौंग डाल देती हूँ। एक ही आती है ना लकड़ी सी पीपल बट इसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये भी एक दालचीनी है, दो तरह की है, एक में ज़्यादा खुशबू है एक में कम खुशबू है। तो ये मैं जिसकी ज़्यादा खुशबू है इसको भी डाल देती हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें दो तेज पत्ता तो जिससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। ये डाल देती हूँ और ये सब डाल के बंद करके रख दूँगी गैस के ऊपर। तो आज मेरे पास में बड़ी इलायची नहीं है कि मैं छोलों में डालूंगी, बड़ी इलायची मेरी ख़त्म हो गई है। बड़ी इलायची भी एक उबलने के टाइम ही छोले में डाल सकते हैं और काली मिर्च डालूंगी मैं तड़के में। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नहाना हुआ फिनिश और ये मैं निकाल रही हूँ आज मौसमी का जूस। तो मैं कैसे मौसमी छीलती हूँ ये देख लीजिए, ऐसे मैं बीच बीच में इसमें कट लगा लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी मौसमी का जूस, जूस पियेंगे आज और आप भी आना ज़रूर पीना। और ये देखिए मैं ऐसे ऐसे करके ना मौसमी का एक ऐसे ऐसे पीस पीस करके निकाल देती हूँ और बहुत ईजिली निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ऊपर से कट करके इसको और इसमें कट लगा लूँगी। ये देखिए आज मौसमी को कैसे छीलते हैं उसकी ट्रिक मैं बता रही हूँ। और मैंने जैसे बताया है आपको कि आज मैं बनाने वाली हूँ छोले तो मेरे छोले उबल गए हैं और मैं अभी भटूरे भी बनाऊँगी। तो मैं भटूरे का आटा लगाऊँगी, पहले मैं जूस बना के दे देती हूँ उसके बाद मैं भटूरे का आटा लगाऊँगी और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे भटूरे का आटा लगाती हूँ और उसमें क्या क्या डालती हूँ। तो मेरी मौसमी छिल गई हैं और ये देखिए ग्रीन वाली थी और इनके छिलके जो हैं अभी ये मैं धूप में सुखा दूंगी अगर आज धूप निकली, नहीं तो छाया में भी सुखा दूंगी और फिर मैं इनको पाउडर बना के डाल दूंगी उसमें प्लांट्स में। और ये मेरा जूसर है देख लीजिए और ये यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका ग्लास है जिसमें जूस निकालते हैं। तो आज मैं इस लॉकर से आपको अपने अपने इस जूसर से जूस निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए ये यहाँ से इसको मैंने दबाया ऐसे हिलाया और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो देखिए अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया, हिल नहीं रहा है। और यहाँ पे हम डालेंगे मौसमी, इसमें पीस पीस करके डालते रहेंगे
और इसको हम चलाएंगे यहाँ से। और ये जो हमारा जूसर है, ये सॉरी ये ग्लास है, और ग्लास में इसमें जूस आता रहेगा यहाँ से। तो मैंने ये इसको यहाँ से फिक्स करते हैं, ये देखिए दिखा देती हूँ खोल के, यहाँ से इसमें एक ये है फिल्टर, तो जिसमें जूस फिल्टर होके आता है। और इसको जब मैं वॉश करूँगी तो दिखाऊँगी आपको कि कैसे इसमें क्या क्या होता है। और ये मैंने इसको यहाँ पे फिट किया और यहाँ से दबा दिया, और ऐसे हम इसको चलाते रहेंगे और इसमें से जूस निकल जाएगा। ऐसे डालती रहूँगी दो दो तीन तीन पीस कर, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया, तो ऐसे ही डालते रहेंगे। और इसके नीचे हम यहाँ पे जो निकलेगा ना कचरा, उसके नीचे हम ये प्लेट ही रख लेते हैं, जिससे कि हमारा कचरा नीचे ना गिरे। ये भी जो इसमें से निकलेगा, देखिए आई थिंक कटोरी में मैं इसको रख लेती हूँ। बहुत इजीली जूस निकल जाता है इससे, घुमाते रहो और मजे मजे में। देखिए ये निकला, इसमें से कचरा निकला है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा जूस वगैरह नहीं है इसमें, तो हम इसको वापस डालने की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए मैंने निकाल दिया जूस का गिलास, तो तीन मौसमी में से ये इतना बड़ा एक जूस का गिलास निकल गया है, तो बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश है, और इसमें कोई मिक्स नहीं है। तो घर पे लाके जूस बना के पीने का अलग ही मज़ा है, तो अच्छा है। और इसको यहीं से फिर इसको ओपन कर दीजिए और ये यहाँ से हट गया, तो बहुत अच्छा है। मुझे ये मैंने काफ़ी पहले मंगा लिया था, तो मैं इसी से ही जूस निकालती हूँ, और इसको यहाँ से ओपन करके फिर वापसी में इसको अलग रख देते हैं कभी ये गिर जाए। और यहाँ से इसको मैं खोल देती हूँ, देखिए ये निकल गया, और इसका जूस निकाल देते हैं। ये देखिए ये देखिए ये मैंने निकाल दिया, यहाँ को इसको वॉश कर देंगे और ये यहाँ से खुल जाएगा पूरा। देखिए यहाँ से ये पूरा निकल गया, और इसको इजीली हम वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत एक दो बूंद गिर जाती है उसको हटा दीजिए, और ये इसका पूरा को वॉश करके, और फिर मैं इसको अच्छे से इसी में सेट कर देती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी, और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मेहंदी। तो ये मेरी मेहंदी है, और मैंने आज इसे अपने बालों में लगाने के लिए लगाया है, और आपने देख ही लिया मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं, और अपना हेयर वॉश फिनिश, अभी मेरा हेयर वॉश हो गया है, और अब ये मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेरी मस्त सी मेहंदी बन गई, काफ़ी दिन हो गए हैं तब मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। और मेहंदी लगाने से बाल बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे रहते हैं, और कंडीशनिंग भी होती रहती है। मेहंदी में क्या क्या डालना है और कैसे मेहंदी बनानी है मैंने आपको पहले बताया है, और अगर आपको मेरी वीडियो मेहंदी वाली देखनी है तो मेरा चैनल है लर्न विद नीतू, उस पर आप मेरी मेहंदी की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें मेहंदी कैसे बनाना है वो बताया है। देख लीजिए बारिश कैसी हो गई है, और बादल खूब घने हैं, और मेरे पेड़ देख लीजिए कैसे पानी से लबालब भरे जा रहे हैं, रोज का काम हो गया है। रात को पूरी रात बारिश होती है, और देख लीजिए कैसे बारिश धन 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 गिर रही है। आप लोगों को दिख रही होगी ना बारिश गिरती हुई, और मेरे फोन पे भी गिर रहा है पानी, ओ माय गॉड बारिश का। और ये देखिए मेरे मिर्ची के पेड़, और मेरे मिर्ची के पेड़ पे ये देखिए दिखाऊं मैं आपको, ये मिर्ची आई हुई है, ये देखिए ये मिर्ची आ गई है, और मैंने कई मिर्चें तोड़ के भी खा ली हैं, और भी है एक ये मिर्ची का पेड़ है, देखो इसके ऊपर भी मिर्ची आई हुई है, ये देखो ऊपर मिर्ची लग रही है, और टमाटर मैंने आज ही तोड़े हैं, और ये काफ़ी टमाटर के पेड़ में हो गए हैं, और इस पर देखो कितने सारे टमाटर आए हैं,
ये मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं। और ये प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी तक ऑपरेशन हुआ था तो कुछ नहीं कर पा रही थी, और आज मैंने ये सारे बेटी के साथ में मिलके अरेंज करवाए हैं। और इसमें लगाया है मैंने, ये देखिए ये क्या चीज़ें आप पहचानो, बताओ क्या है, ये है चने का पेड़। और मैंने चने के पेड़ लगाए हैं और कई प्लांट्स मेरे खाली हैं और जिसमें मैंने बीज बो के रखे हैं। देखिए प्लांट्स में कितना पानी है, काफ़ी हो गया है। और ये देखिए मेरी लौकी की बेल चल के आ रही है, ऊपर तक जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं छोले भटूरे के व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।